मित्रों, गन्ना किसानों के 1.48 लाख करोड़ लगभग 1.5 लाख करोड़ बकाया भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने चुकाने का काम किया है। वो देने का है और 11 महीने से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, पिछले साल का भी मार्च से भुगतान बकाया है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज बजट का दिन है, सबकी निगाहें बजट पर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम विपक्ष के समक्ष देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैबलेट पर, जी हां, टैबलेट पर देश का बजट पढ़ा। और वही वायदे, गरीबों से वायदे, किसानों से वायदे, मुल्क से वायदे। विल कवर 1,208 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ वीट एंड पैडी फ्रॉम 163 लाख फार्मर्स एंड 2.37 लाख क्रोर्स विल बी द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ MSP वैल्यू टू देयर अकाउंट्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि निर्मला जी लाखों अरबों रुपए के वायदे कर रही हैं और मोदी जी मेज थपथपा रहे हैं। अब साहब, चुनाव का मौसम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणभूमि है, सेमीफाइनल है, मैच फंसा हुआ है अमित शाह का और मोदी का। और जहां किसान आंदोलन हो, गन्ना किसानों का आंदोलन हो, भुगतान नहीं हुआ हो, सरकार बैकफुट पर हो, ऐसे में मोदी और अमित शाह वायदा करने से कैसे पीछे हट सकते हैं? हमने गन्ना किसानों की दिक्कतों को समझते हुए उनके बकाए के जल्द से जल्द भुगतान का भी लक्ष्य रखा था। मित्रों, गन्ना किसानों के 1.48 लाख करोड़ लगभग 1.5 लाख करोड़ बकाया भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने चुकाने का काम किया है। अब दोस्तों, अगर मोदी जी और शाह साहब की बात पर यकीन करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का सारा भुगतान किया जा चुका है, किसान की जेब भर चुकी है, किसान खुश है, सब कुछ हरा भरा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इनसे सुनिए। वो देने का है और 11 महीने से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, पिछले साल का भी मार्च से भुगतान बकाया है। अब साहब, राकेश टिकैत की इन बातों पर हो सकता है मोदी जी और शाह या योगी जी के समर्थक यकीन ना करें, तो फिर इन गरीब किसानों की बात सुन लीजिए। गन्ने की समस्या है, मिल की पेमेंट पिछले साल का बकाया है, अभी गन्ने का ही की समस्या है न, तो पेमेंट ठीक नहीं है ना। और यानी पिछले साल का फरवरी का पेमेंट दिया है, इस साल का कोई मतलब ही नहीं है। कितना दिन लग जाता है पेमेंट को? 2 महीने भी लग जाए वैसे, साल भर तक पेमेंट नहीं होया। दोस्तों, आज इस गन्ने के सारे खेल को, इस शुगर माफिया के सारे खेल को, ये जो किसान लाचार सा गन्ने के आगे खड़ा रहता है, आज खबर उस पर नहीं है। ये गन्ने के खेत के पीछे ये जो शुगर मिले हैं खरबों रुपए की, और उनके पीछे जो उद्योगपति हैं, जो उत्तर प्रदेश के अडानी और अंबानी हैं, जिनको शुगर किंग कहा जाता है, आज उनसे पर्दा हटने जा रहा है। ये चुनाव का मुद्दा है, ये हार जीत का मुद्दा है, ये पश्चिम का मुद्दा है। मैं बताने जा रहा हूं कि जो शुगर किंग हैं, ये जो बहुत मजबूत शुगर लॉबी है खरबों रुपए की, इसके आगे किस तरह से केन कमिश्नर जैसे लोग, बड़े IAS अधिकारी, मंत्री, विधायक लेट जाते, सरकार झुक जाती है और गन्ना किसानों के पसीनों का सौदा कैसे होता है, उस पसीने की बूंद जिसको निचोड़कर खरबों का खेल होता है। यकीन मानिए, आज का ये वीडियो
ऐसा वीडियो है कि चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे बड़े बड़े चैनल हो, किसी की हैसियत नहीं है कि उंगली उठा दे, सवाल पूछ ले। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जो चुनाव की रणभूमि है उसका एक बड़ा मुद्दा है और उसकी तह में आज मैं जा रहा हूं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, ये उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर या मुख्यमंत्री योगी घूम घूम कर एक बात कहते हैं कि हमने हर तरह के माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी, हमने काले धन के साम्राज्य को नेस्ता नाबूद कर दिया, हमने जो कुछ किया किसानों के लिए किया, गरीबों के लिए किया। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में जमीन पर, खेतों में किसान अपनी बैलगाड़ी पर गन्ना लेकर आगे बढ़ रहा है। सड़क पर नीचे बैलगाड़ी है और ऊपर हेलीकॉप्टर पर या तो योगी हैं या फिर शुगर किंग है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूं तो दर्जनों दर्जनों शुगर मिले, लेकिन जिसका एक छत्र साम्राज्य है वो शख्सी है, कुशाग्र बजाज, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। 14 से ज्यादा शुगर मिले, शुगर किंग है ये। और कहने वाले कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मुकेश अंबानी, गौतम अडानी है। लेकिन साहब, इस खरबपति उद्योगपति, इस शुगर किंग पर 2361 करोड़ का, जी हां, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों का गन्ना, किसानों का, गरीबों का बकाया है। अब साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशाग्र बजाज पर FIR दर्ज करा दी, शुगर किंग पर जिनका सबसे बड़ा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में था, FIR करा दी, मुकदमा करा दिया। सेक्शन 3/7 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और कुछ IPC की धाराएं भी, हड़कंप मच गया साहब उत्तर प्रदेश में, ब्यूरोक्रेसी में, नेता नगरी में। लोगों को लगा कि कुशाग्र बजाज जेल भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बल्कि यूं मैं कहूं कि इसके उलट हुआ। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जो योगी आदित्यनाथ के दाहिने हाथ माने जाते हैं, उन्होंने चू तक नहीं करी इस शुगर किंग के खिलाफ। हकीकत यह है कि ना कुशाग्र बजाज से पूछताछ हुई, ना वो जेल गए, और 5 साल बीत चुके। अब कहने वाले कहते हैं, और खासकर जो वहां पर गन्ना किसान हैं, उनका कहना है पश्चिम में कि क्योंकि थाना भवन जो निर्वाचन क्षेत्र है सुरेश राणा का, गन्ना मंत्री का, वहां पर भी बजाज साहब की एक बहुत बड़ी चीनी मिल है और उस चीनी मिल का भी बकाया है, और राणा साहब कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। राणा साहब की हालत यह है कि वो गलियों में अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे, उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव हार सकते हैं, लेकिन साहब फिर भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कुशाग्र बजाज शुगर किंग से कुछ कह पाए। चुनाव दांव पर लगा है, सरकार दांव पर लगी है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े उद्योगपति के आगे किसानों की तरफ से दो लफ्ज कह सके। अब साहब, चुनाव एकदम करीब आ गया, गन्ना किसानों का दबाव बढ़ता गया, जाट इनकलाब जिंदाबाद करने लगे, योगी जी दबाव में आ गए, अमित शाह दबाव में आ गए, और कुशाग्र बजाज, उनका जो बकाया था बढ़ता गया, तकरीबन
2,500 करोड़ रुपए उनको किसानों को देने, तो सरकार करती तो क्या करती। तो योगी जी ने कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट बुलाकर कहा कि कुशाग्र बजाज अगर पैसा नहीं देंगे तो मैं इनका जो पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, मैं वो सील कर दूंगा और वहां से तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की वसूली करके उसको बेचकर मैं किसानों का पैसा दूंगा। फिर तालियां बजी, ऐसा लगा कि अब की बार कुशाग्र बजाज की गर्दन पे फंदा सरकार ने डाल दिया है और किसानों को इंसाफ मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ, ना वो प्लांट पर कार्रवाई हुई, ना वो 1,000 करोड़ रुपए आए, ना ही किसानों को पैसा बटा। मैं आपको बताता हूं कि जो कुशाग्र बजाज आज ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो किसानों को लौटा सके, दे सके, मैं उनकी हकीकत आपको बताता हूं कि पिछले 3 साल में कितनी दौलत कुशाग बजाज की शुगर मिल्स ने कमाई है, उनका रेवेन्यू क्या है, उनका राजस्व क्या है। अब योगी सरकार कह रही है कि वो कुशाग्र बजाज का पावर प्लांट बेचकर तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया उसे मिलेगा जो वो किसानों को लौटाएगी। उधर कुशाग्र बजाज कह रहे हैं कि उनके पास पैसा, उनकी जेब खाली है, वो किसानों का जो बकाया है वापस करने की स्थिति में नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कुशाग्र बजाज की जो कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और आप इस रेवेन्यू को देखिए, दंग रह जाएंगे, उनकी कमाई जानकर, उनका राजस्व जानकर दंग रह जाएंगे आप। देखिए ये चार्ट, 2019 में 6,806 करोड़ की कमाई, 2020 में 6,669 करोड़ की कमाई, 2021 में 6,665 करोड़ की कमाई, यानी कोविड काल में भी अगर आप देखें 3 साल में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व, ज़्यादा का रेवेन्यू। अब कंपनी आप जानते हैं नेट प्रॉफिट में क्या खेल करती है, दिखाती है, नहीं दिखाती है, डाइवर्ट कर देती है, लेकिन जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, 20,000 करोड़ सिर्फ 3 साल में। लेकिन वो कहते हैं कि साहब हम 2,500 करोड़ रुपये नहीं दे सकते, कमाई राजस्व कहां जा रहा है, आसमान छू रहा है, लेकिन किसानों का पैसा देने में कोताही कर रहे हैं। दोस्तों सच्चाई आपने देखी कि किस तरह से उद्योगपति जिनके सत्ता से रिश्ते होते हैं, जो सत्ता के करीब होते हैं, किस तरह से ठगते हैं, छलते हैं किसान को। और यही मोदी जी और यही निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट टैक्स कम करती जा रही हैं। आम आदमी पे बोझ बढ़ रहा है और कॉरपोरेट टैक्स कम हो रहा है। कुशाग्र बजाज खुलेआम कह रहे हैं कि वो पैसा लौटाने में असमर्थ है, जबकि रेवेन्यू चार्ट उनका कुछ और कह रहा है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ 3 साल में। और यही वजह है कि भाजपा के विधायकों का इतना ज़्यादा विरोध उनके क्षेत्रों में किसान कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और विधायक आगे भाग रहे हैं। कुशाग्र बजाज की एक मिल लखीमपुर में भी है, शुगर मिल, और वहां के विधायक को, भाजपा के विधायक को जब किसानों ने घेरा कि मेरा पैसा, हमारा पैसा वापस दिलाओ वरना वोट नहीं देंगे, तो दोस्तों ये विधायक भाजपा का रोने लग गया और रोते रोते इसने वीडियो अपना उतारा, रिकॉर्ड किया। ये है मजबूरी, किस तरह से सत्ता उद्योगपतियों के आगे लेटी हुई है। आपसे निवेदन है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल से हमारे क्षेत्र के किसानों और गोला विधानसभा के क्षेत्र के किसानों का भुगतान दिलवा दीजिए। अब दोस्तों दो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक ये कि अगर किसानों का इतना पैसा बकाया है तो फिर मोदी जी और अमित शाह रोज रोज क्यों कहते हैं कि हमने सारा बकाया दे दिया, हमने रिकॉर्ड पेमेंट कर दिए किसानों के।
मुझे लगता है कि आपने किसानों की बातें सुनी है और यही अंतर है इस सरकार की कथनी और करनी, इस सरकार के दिल में और जुबान में। एक सवाल ये भी कि सिर्फ कुशाग्र बजाज ही क्यों, क्या हमने उनको सिंगल आउट किया है? जी नहीं, कुशाग्र बजाज इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी मिलों के मालिक वही है, नंबर वन पे वही खड़े हैं। और अक्सर जब हम उद्योग में, उद्योग इंडस्ट्री में जब करप्शन की बात करते हैं तो नंबर एक ही बात होती है, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो। अगर मैं बाकी जितने और शुगर मिल मालिक हैं उनकी भी अगर मैं कहानी आपके आगे रखता तो बहुत समय निकल जाता। सिर्फ कुशाग्र बजाज इसलिए क्योंकि वो प्रतीक हैं बाकी मिल मालिकों की तरह। और आपने देखा कि चुनाव चरम पर है, मुद्दा गन्ना किसानों का है, मुद्दा किसान आंदोलन का है, जाट एकदम से इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है और मिल मालिक कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और स्टॉक एक्सचेंज के जो चार्ट्स हैं वो कुछ और तस्वीर बयां कर रहे हैं। यही है चल, यही सियासत का चल है। ये वीडियो बजट के दिन आपको कैसा लगा ज़रूर आप अपने कमेंट्स शेयर करिएगा और मैं चाहता हूं कि आप अपने सुझाव दीजिए कि आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। हालांकि जो इस वक्त जो थ्रेड जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और लगातार चुनाव के हर एस्पेक्ट्स मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आज का जो एस्पेक्ट था ये वो कहानी थी, ये किसान आंदोलन और उससे उपजे उस दर्द, वो जो दर्द छलका, वो जो शहादतें हो गई 700 से ज़्यादा, ये उसके पीछे की कहानी थी कि गन्ना समिति से लेकर गन्ना मिल तक और खेत से लेकर योगी जी के दफ्तर तक किसान को किस तरह ठगा जाता है, छला जाता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।